राजसमंद में इन दिनों चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि क्या राजसमंद में चुनाव नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसी कमाल की बात कर ली थी, वास्तविकता में इन दिनों महसूस की जा रही है। और इसका कारण ये होता है कि चुनाव का माहौल नहीं बन रहा है। लोग कह रहे हैं माहौल नहीं बन रहा है, वातावरण नहीं बन रहा है, कुछ धूमधड़ाका, कुछ शोर शराबा नजर नहीं आ रहा है, कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। तो हालांकि चुनाव यहाँ दूसरे चरण में है, 26 तारीख को वोटिंग है, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट सूचना मैं आप तक पहुँचा दूँ, मगर ये सवाल इसलिए रह रहकर सुनाई दे रहा है क्योंकि चुनावी माहौल गायब है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल औपचारिकताओं से भरा हुआ एक चुनाव हो रहा है जिसको बड़े औपचारिक तरीके से ही लड़ा जा रहा है। अगर दोनों ही प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें, जिसमें कि भाजपा की तरफ से महिमा कुमारी मेवाड़ दिखाई देती है, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर दामोदर गुजर प्रत्याशी के तौर पर है, मगर वास्तविकता यह है कि वो जो अलग अलग प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों में जा तो रहे हैं, पार्टी के तय कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम भी हो रहे हैं, पार्टी के कैडर उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर जो एक माहौल धरातल पर दिखना चाहिए चुनावों का वो दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी ज़्यादा ये चीज़ इसलिए भी महसूस हो रही है कि थोड़े दिनों पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बड़े तेज तर्रार और बहुत भारी हो हंगामे से भरे हुए चुनाव थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा होगा कि कुछ उसी पैटर्न पर ये चुनाव भी दिखाई देंगे, मगर ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। वैसे भी लोकसभा के चुनाव विधानसभा की तुलना में थोड़े से ठंडे ही होते हैं, मगर इतनी उदासीनता, इतना माहौल सुनसान होना, ये बड़ा आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, चुनावी रंगत गायब है। चुनावी रंगत छोड़िए आप, पोस्टर बैनर ये भी इतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, कहीं चुनावी चर्चाएं भी नहीं हो रही है, लोग भी इतना मुखर होकर बोल नहीं रहे हैं, जिनके हिस्से कुछ पार्टी की जिम्मेदारी आई हुई है, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों के बिल्कुल प्रचार के जो जिम्मे संभाल रखे हैं उनको जितना बोलना होता है उतना बोल देते हैं, उससे ज़्यादा इस चुनाव को लेकर चर्चाएं भी हो नहीं रही है। हालांकि प्रत्याशी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं, कहीं पर अब तेवर सीधे और सपाट भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर कुछ वीडियो के माध्यम से तेवर तल्ख भी नज़र आते हैं, कहीं कार्यकर्ताओं को सुना भी जा रहा है, कहीं कार्यकर्ताओं को सुनाया भी जा रहा है, ये तमाम चीज़ें भी चल तो रही है। मगर जो एक सत्य इस चुनाव का अभी तक हम सभी के सामने है वो ये है, माहौल नहीं बन रहा है। लोग बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि माहौल नहीं बन रहा है, लग नहीं रहा है कि चुनाव है। तब ऐसे में जब मात्र आज क्योंकि 13 अप्रैल हो चुकी है, 26 को चुनाव है, प्रचार के मात्र गिने चुने 12 दिन बचे हैं, अब इन 12 दिनों में कुछ माहौल चढ़ता है, कुछ माहौल परवान की तरफ आगे बढ़ता दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी, या फिर दोनों ही प्रत्याशी अब ये सोच समझ चुके हैं कि हमें अपने प्रचार पर फोकस करना है, धूमधड़ाकों से दूर हमें कोर वोटर तक पहुंचना है, कोशिश ये करनी है कि वोटर जो हमारा है वो जाए और हमें वोट दे दे। कार्यकर्ताओं पर कुछ विशेष फोकस किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को विशेष ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चीज़ें अपनी अपनी पार्टी के पाले में ला सके। तो कुल मिलाकर अब हो यही रहा है और जनता भी कुछ इसी मानस में इन दिनों दिखाई दे रही है, ठीक है चुनाव है, वोट देने जाना है, वोट देकर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कहीं कोई उत्साह, कहीं कोई उमंग नज़र आ नहीं रही है। अभी ये क्यों नहीं हो रही है अपने आप में एक विश्लेषण का विषय है, ये भी किसी अगले एपिसोड में करेंगे। इस उम्मीद के साथ है अभी कि थोड़ा माहौल बदलेगा, थोड़ी फिजाएँ महकेगी, थोड़े चुनावी शोर शराबे नारे और थोड़ा हो अल्लाह हंगामा देखने को मिलेगा। चुनाव बनेगा तो हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, थोड़ा चुनावी वातावरण जब बनेगा तब कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया चीज़ें भी, बढ़िया बातें भी निकल कर आएगी, नहीं तो जो चल रहा है उसको हम भी कवर कर रहे हैं, जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं। 26 तारीख को चुनाव है, वोट ज़रूर देना है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।